अवैध खनन कर रहे 13 ट्रैक्टर टाली सीज किए गए। यूपी की योगी सरकार ने भले ही अवैध खनन पर रोक लगा दिया हो, लेकिन यूपी के पीलीभीत में जारी है दिन में अवैध खनन का काला कारोबार। जी हां, पूरनपुर तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर पिपरिया में आज उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर टाली को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पीलीभीत को तहसील में लंबे समय से मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था। खनन माफियाओं से साठगांठ कर प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां जैसे ही सन्नाटा छाया तभी खनन माफिया दर्जन ट्रैक्टर टाली लेकर खेत में पहुंच जाते हैं और खनन का खेल सुबह 4 बजे तक चलता है। दिन में मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर टाली में भरी जा रही है। वहीं अनुराग सिंह नायब तहसीलदार ने बताया कि मोहम्मदपुर पिपरिया गांव में अवैध खनन कर रहे 13 ट्रैक्टर टाली नायब तहसीलदार ने पकड़ लिए हैं, जिनको हरिपुर पुलिस चौकी को सुपुर्द कर दिया गया है और उसकी रिपोर्ट तैयार कर अपर जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है। ये पड़ता है मोहम्मदपुर पिपरिया पड़ता है गांव, वहां से 13 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई थी, जिनको हरिपुर पुलिस चौकी में जब्त करके सुपुर्द कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए इसकी रिपोर्ट बना के माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेज दी जाएगी।